बैक टू बैक फिल्मों के बाद कार्तिक के हाथ आई बड़ी कामयाबी। अब इस मूवी में आएंगे नजर बॉलीवुड के जाने माने हैंडसम हंक और दमदार एक्टर कार्तिक आर्यन को आज के समय में कौन नहीं जानता है। वे हमेशा ही किसी न किसी बात के चलते चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उनके चर्चाओं में होने की वजह कुछ और ही है। दरअसल इस समय हम बात कर रहे हैं कार्तिक के नए प्रोजेक्ट की, जिसमें वे इन दिनों कुछ ज्यादा ही व्यस्त चल रहे हैं। वहीं यदि बात करें बैक टू बैक हिट फिल्में और जबरदस्त फैन फॉलोइंग के साथ कार्तिक आर्यन इन दिनों निर्माता निर्देशकों की खास पसंद बन चुके हैं। अभिनेता के पास फिलहाल कई फिल्में लाइन में हैं। मीडिया की माने तो कार्तिक ने प्रोडक्शन हाउस रोज इंटरनेशनल के साथ 3 फिल्मों की शानदार डील साइन की है। यह काफी भारी भरकम डील है। हम बता दें कार्तिक ने यह डील 75 करोड़ में साइन की है। हालांकि अभी इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। खास बात है कि जहां पहले कार्तिक आर्यन एक फिल्म के लिए 6-8 रुपए लेते थे, अब वे एक फिल्म के लिए 25 करोड़ तक फीस रुपए ले रहे हैं। हालांकि फिल्मों को लेकर कोई डिटेल बाहर नहीं आई है। फैंस को कार्तिक की इन आगामी फिल्मों के घोषणा का बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल कार्तिक के पास कई फिल्में हैं जो कोरोना की वजह से अटकी पड़ी हैं। कुछ ही शूटिंग पूरी नहीं हो पाई है तो कुछ प्री प्रोडक्शन स्तर पर रुकी हुई है। इन निर्देशकों के साथ करना है काम। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कार्तिक ने अपनी विश लिस्ट रिवील की है जिन निर्देशकों के साथ वो काम करना चाहते हैं। कार्तिक आर्यन कहते हैं, मैं संजय लीला भंसाली, जोया अख्तर और शुजीत सरकार के कॉल का इंतजार कर रहा हूं, जो मेरी विश लिस्ट में है। मैं अपनी सफलता को उस दिन गंभीरता से लूंगा जब मैं इन फिल्मकारों के साथ फिल्में साइन करूंगा।